आज ना अच्छा बढ़िया नहीं क्यों वे आज तो मैं भी आ गया। आज की नहीं बढ़िया तुम्हारा हैं क्या हो गया साहब? कह रही थी दो दो वीडियो आ गई, महीनों तक एक वीडियो नहीं आई। जैसे मैं क्या दो दो वीडियो अपलोडेड ट्रेंडिंग पर चल रही है, तुम्हारा बढ़िया नहीं हो रहा। और सालों तक कुछ देर के लिए चला क्या गया, तुमने मेरा रेस्ट इन पीस कर दिया। कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, ज्ञानी मेरे दोस्त का दोस्त है, उससे मुझे पता चला ज्ञानी गया। अबे अभी हम जिंदा है बे। अबे एक ने तो बोला कि मैं शादी करने गया हूँ। अबे पकौड़े इतनी बद्दुआएं कौन देते हैं साले, ना तुम जिंदा रखना चाहते हो और अगर मैं जिंदा हूँ तो खुश नहीं रखना चाहते। मैं झूठ नहीं बोला, ये सच है। जब मैं नहीं कर रहा था ना वीडियो, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जहाँ मुझे हस्बैंड वाइफ के ऊपर जोक्स लिखने थे और मैंने इतनी स्टडी करी ना उसके ऊपर, डॉक्यूमेंट्री देखी और स्टडी करी कि मेरी इतनी बढ़ गई कि मेरे को शादी करने की कोई इच्छा ही नहीं। मतलब इतना मैंने स्टडी किया ना कि मुझे एक बात समझ में आ गई कि शादी एक लौती ऐसी दुर्घटना है ना जहाँ पे हल्दी चोट लगने से पहले लगाई जाती है। तो ऐसी बद्दुआएं मत दिया करो मुझे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, भाई वापस आ गया, अपने बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी के लिए वीडियो शुरू करेंगे, उससे पहले आप लाइक करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बाकी समझ गए तो चलो ना शुरू करते हैं ब्रो। रोल द इंट्रो। क्या हो गया है? अबे सब कुछ तो अच्छा ही हो रहा, तुम्हारा बढ़िया क्यों नहीं हो रहा? मतलब कह रही की दो वीडियो आ गई और क्या टॉपिक पे है, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो बंदा। मतलब टॉप मोस्ट क्रिएटर हो के एशिया का, फिर भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कुछ अच्छे मैसेज के साथ कर रहा है, क्योंकि हम वो बात बोले ना कोई सुनता नहीं है, वो करेगा सुनते हैं लोग। भाई तो इतने लोग पागल हुए ना उस वीडियो को देख के, हाँ कैंसिल कल्चर और कैसे वो सिस्टम दान करता है। हम इतने सालों से समझा रहे हैं कोई देने, नोबडी गिव्स अ एफ। कैरी, अरे वाह क्या कॉन्सेप्ट है। अबे क्या हरामी लोग, मतलब सब्सक्राइबर है कोई इज्जत होती है, नॉर्मल बंदा बोलते कोई इज्जत नहीं होती तुम्हारे पास। हाँ भाई साहब रूप ही बदल गया हमारे आजकल। बट मैं क्रिएटर्स को ब्लेम नहीं करता क्योंकि हमारी जाति ऐसी है, क्योंकि हम आते तो मीडिया लाइन में ही ना। क्योंकि जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था ना, इस बीच में एक बहुत शॉकिंग न्यूज आई थी जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम पड़ा था, क्योंकि मैं ऑनलाइन था ही नहीं बिल्कुल भी। ऑफकोर्स मैं सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बारे में बात कर रहा हूँ, जब जिन जस्ट इन केस तुम्हें अब तक नहीं पता, तुम अंडर द रॉक रह रहे हो मेरी तरह रह रहे थे, तो सिद्धार्थ शुक्ला को की मौत होगी, मतलब डेथ होगी हार्ट अटैक की वजह से। जहाँ पे जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये था कि रात तक ठीक था, 3:30 बजे उसे चेस्ट में पेन हुआ, दवाई खाई, सो गया और फिर अगले दिन पता चला कि यहाँ एक्सपायर कर गया। और बहुत यंग है, बहुत टैलेंटेड, और लिटरली अभी OTT प्लेटफॉर्म पे वो परफॉर्म कर रहा था, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा था, हर जगह पे न्यूज में था। और उसके बाद सडनली ये न्यूज आने बहुत शॉकिंग चीज थी, और मुझे तो बाद में पता चला, मेरे लिए और ज्यादा शॉकिंग चीज। और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया, बहुत सारे लोग उसकी फैमिली से मिलने गए, फ्यूनरल में गए, अभी उसके लिए मेमोरियल रखा गया है, उस पर भी अटेंड कर रहे हैं। बट इस बीच में वो लोग इनसे प्यार करते हैं, जो इनकी केयर करते हैं, उनके इमोशन को ना मीडिया कंपनीज ने, न्यूज चैनल ने गीदड़ों की तरह निचोड़ खाया है, नोच खाया है। मतलब तुम्हें मालूम है सिडनास का कितना सीन था? अभी एक वीडियो फुटेज आई थी सामने जहां पे वो जा रही थी मिलने के लिए और किस तरह से उसको घेर रखा था। अभी कुछ तो ऐसे यूट्यूबर है जो फोटोशॉप करके उसकी डेड बॉडी देख रहे हैं, और ये सेम चीज हमने लास्ट ईयर भी देखी थी। बट हम सुधर जाए या ये मीडिया कंपनी सुधर जाए, क्योंकि इनकी भूख तो खत्म नहीं होगी ना, तुम्हारे जीते जी तुमसे पैसा कमाएंगे, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी फैमिली के दर्द से भी पैसा कमाएंगे, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता भाई। अबे हरामी लोगों सुधर जाओ, क्या कर लोगे इतना पैसा कमा के, जेब नहीं होती भाई, जलाओगे या दफनाओगे कुछ नहीं होगा उससे। और सिर्फ मेरा गुस्सा नहीं है, बहुत लोगों का गुस्सा है। मतलब जाकिर खान ने इस चीज पे रिएक्ट करते हुए बहुत, मतलब सीरीज ऑफ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है, और सिर्फ जाकिर खान नहीं, कृतिक सेनन, गौहर खान और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इस चीज की निंदा करते हुए इस बारे में बात करी है कि इस समय पे फैमिली को अकेला छोड़ देना चाहिए, ये गीदर भक्ति निकलनी चाहिए उनकी। और इसी चीज को एड्रेस करते हुए मुंबई का निखिल ने अपने व्लॉग में एक बात करी थी जो मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप YouTube खोलोगे तो हर जगह सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का यू नो वो सब दिखा रहेंगे। एंड यू नो व्हाट टेरिफाइज मी इज दैट पीपल आर कमेंटिंग कि भाई मीडिया इतना फोटो ले रहे हो तो हमको उनकी बॉडी भी दिखा दो, थोड़ा और अंदर जाके दिखाओ। ये सब लोग अच्छे लोग भी हैं जो बोल रहे कि मीडिया पब्लिसिटी डोंट डू दिस, बट कैन यू इमेजिन द एडिटेड थंबनेल, एक बंदा अपने ऑफिस में आता है, फोटो लेता है, थंबनेल एडिट करता है, दस दिन का होता है, चेहरा किसी के ऊपर लगे हुई डेड बॉडी फोटो लगाता है, उसको एडिट करता है अच्छे से कि कोई रो रहा है, अंतिम संस्कार हो रहा है, उसी हिसाब से वो थंबनेल डालता है। आप उस इंसान का माइंडसेट इमेजिन कर सकते। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई पापी पेट के लिए करना पड़ता है, अरे पापी पेट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं यार, तो किसी के फीलिंग के साथ खेलना, आई एम रियली सॉरी बट दिस इज सैड रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। ये तुम्हें दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं 7 दिन में आया और लोग सिर्फ 4 क्लिक्स लेने के लिए मुझे मार गए, मैं जिंदा हूं, नहीं मर गया मैं। अबे अरे ठीक है, जोक की एक लिमिट होती है, मैं जिंदा हूं और मर गए, ये कोई सेंसेस बात का? मेरा DM, मेरे कमेंट सेक्शन सब जगह पे लिखा हुआ है रेस्ट इन पीस, और लोगों को यकीन नहीं हो रहा ये चीज, क्योंकि मैंने बोल रखा है मैं मर नहीं सकता, मतलब सुसाइड नहीं कर सकता,
नहीं नहीं रेस्ट इन पीस, मेरे दोस्त के दोस्त ने बताया ये हो गया ये हो गया, क्यों क्या पड़ी है, मान लिया तो ये है, बट इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए, इंसानियत तो है ना, या ऐसी है मुर्दा है, जिंदा ही नहीं लाश, जिंदा घूमती फिरती लाश है, कोई इमोशन नहीं तेरे अंदर। और सच बोल रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज से, अगर ये चीज है कि तेरे अंदर इमोशन नहीं है, सोल नहीं है, तो जाके ये मीडिया कंपनी ज्वाइन कर ले, तू सही है इस जॉब के लिए, तेरा फ्यूचर सिक्योर है। बट अगर इंसान है और इंसानियत है तो थोड़ी इंसानियत रख लिया करो। वो समझा चुका है, मैं समझा चुका हूँ, मुझे पता है इससे कुछ नहीं असर होने वाला किसी को भी। नहीं रेस्ट इन पीस दिए मारे हैं, रेस्ट इन पीस, क्यों, कितना कितना फनी जोक है, मुझे फनी नहीं लग रहा कि तुम्हारी फैमिली के पास तुम कहीं बाहर गए हो और तुम्हारी फैमिली के पास मैसेज आ रहे हैं रेस्ट इन पीस, कहा कौन से एंगल से फनी है। और ये इकलौता मेरे साथ नहीं हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला का जब न्यूज आया तो जो एक्टर साउथ इंडियन एक्टर सिद्धार्थ है, जो ट्रोल्स थे उसके पास पहुंच गए रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ करके, सिद्धार्थ शुक्ला की जगह पे सिद्धार्थ की एक्टर सिद्धार्थ की फोटो शेयर करने लग गए साउथ इंडियन एक्टर की। मैं तो क्या है ये लॉजिक, तुम इतना अंधभक्ति में या इतना पागलपंती में कैसे रह सकते हो कि तुम्हें ह्यूमैनिटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब या तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, या तुम इतने जन्म हो, या इतने वोक हो, या इतने डैंक हो, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर तुम्हारा कल्चर ये है या हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन ऐसी है, तो क्लियरली मैं उस चीज का एक पार्ट नहीं बनना चाहता। और अगर तुम ऐसे तो अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सब्सक्राइबर लूज करने से। और ऐसा नहीं मैं तुम सबको बोल रहा हूँ, तुम में से मेजरली लोग ऐसे नहीं होंगे जो ये सब चीजें करते हैं, और तुम सबके अंदर इंसानियत और सोल होगी। बट कुछ लोग ऐसे हैं, और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, एक्चुअली हर इंडस्ट्री में। अभी नीरज चोपड़ा जीत गया, अब उससे कोई आर्ट हिस्टोरियन था राजीव सेट्टी करके, वो उससे पूछ रहा, हाँ भैया लड़कीबाजी क्या चल रही है तुम्हारा, है कैसा चल रहा है, तू कौन है बे, है मेरा सगा दोस्त है तू, है तेरी बेटी मेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे क्या ही करना है जान के बे, या तू लड़कियां सप्लाई करता है, अगर आप सेटिस्फाइड तो हम दूसरी भेजते क्या, मतलब चल क्या रहे तेरा, अबे उम्र का तो लिहाज कर ले, मैं भी अब लिहाज करने लग गया हूँ, मैं तो तेरी एज में पहुंचा भी नहीं, बंदा इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम रोशन करके आ रहा है। हाँ आपकी पर्सनल लाइफ कैसे चल रही, बेडरूम में क्या कर रहे, किंकी स्टफ, ओहो यही तो सुनना था मुझे, उतनी मेहनत स्ट्रगल करी वो मत बताओ मुझे, यही बताओ लड़की बाजी कैसे करते हो, कुछ भी कुछ भी। देखो मेरे को कहीं छन नहीं है तो मैं झाड़ने देगी, बट ये चीज है ना लिटरली बहुत गलत चीज है, इसलिए वो एड्रेस कर रहा हूँ इस चीज का, क्योंकि आज भी तो कल तुम समझ जाओगे, एज के साथ एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें समझ में आ जाएगी कि तुम कहाँ गलत थे, और तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई सेंस नहीं होगा कि तुमने क्यों किया ये चीज, बट कोई सिखा रहा सीख लो, और नहीं सीखना तो एटलीस्ट बंद कर दो उस चीज को, ये तो मत करो। क्योंकि कोलकाता की झंडी के बाद मुझे एक चीज पता है, दुनिया में ना अभी बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है मेरे पास, पहले वाला ज्ञान बन गया हूँ, अभी बहुत कुछ बचा है। बस चलो और बात नहीं करेंगे, ज्यादा सीरियस हो रहा है, सीरियस करने नहीं आया, हम मजे के साथ मजे लेके जाएंगे। अबे इतना तो झाड़ दिया और क्या मजे देगा, अबे इज्जत दिया करो सालो मुझे, रेस्ट इन पीस कर रहे हो। अबे कम से कम देखो, अगर मेरे को वीडियो बनानी है, अभी मेरा सेटअप मेरे पास नहीं, मेरा सेटअप अभी भी कोलकाता, तो उसे आने में अभी 7-10 दिन लग जाएंगे, और मेरे पास बैटरी चार्ज करने के लिए, तो ये पहली और आखिरी वीडियो है जो कैमरे के साथ बना रहा हूँ। कल से मैं ऑडियो कमेंट्री वीडियो कर रहा हूँ जब तक सेटअप नहीं आता, और पंखा बंद करके बैठा हूँ ताकि मैं ऑडियो क्लीन कर सकूँ, क्योंकि मैं अपने हेडफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइक। वरना कुछ तो ऐसे नेता लोग हैं हमारे पॉलिटिक्स सिस्टम में जो ट्रेन में चड्डी में घूमने लग गए हैं, देखा तुमने वो, और फिर यही नेता के बोलते हैं हाँ हाँ लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सर आप चड्डी में घूम रहे हो यार, हमें देखना भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे पता भी नहीं था, मैं ऑफ लिटरली ऑफलाइन था पूरे टाइम। जब मैं ऑनलाइन आया पहले तो ये शॉकिंग न्यूज मिली मुझे सिद्धार्थ शुक्ला वाली, और उसके बाद मैं ट्विटर पे गया, मेरे को ये दिखा चड्डी बनी में घूमते हुए अंकल ट्रेन के अंदर। मैं कहा इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से ला रहे हो यार, इतना तो हमारे अंदर अपने घर के अंदर नहीं होता यार। और इस बंदे का बाद में इंटरव्यू हो रहा, पता चला ये नेता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, कहता मेरे को लूज मोशन था, मेरा पेट खराब था, इसलिए मैं चड्डी में घूमने लग गया। अबे कोई सेंस है इस बात का, अब तो कच्छा उतार के पैंट पहन के हाफ पैंट पहन के घूमता ना, पब्लिक प्लेस है वो। बट मैं भी यही बोलूं नेता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कर्नाटक से एक न्यूज आई है कि कर्नाटक का एमएलए का कोई बेटा था, तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तो केक काटा था। अभी तुम और मैं केक काटेंगे गरीबों की तरह चाकू से, हैं प्लास्टिक वाले चाकू से जो देते हैं वो केक के साथ, बट एमएलए का बेटा ना ये आईफोन से काट रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, पर चलो क्या ही बात करें, क्योंकि कर तो कुछ सकते ही ना। तो चलो कंगना की बात करते हैं, नहीं। हाँ सो बाकी मैं गायब ना था, तो मैं गायब कहीं नहीं था, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि मैं कितना 12-13 दिन से एक ही रूम में बंद था, और वहां का खाना मेरे को सूट नहीं कर रहा था, नहीं क्या था, बट बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई थी। तो फिर उस चक्कर में मैंने डिसाइड किया कि चलो, मतलब पहले मैंने ट्राई किया कि हाँ कोशिश करते हैं टिकने की, खाना खाने की, कुछ करने की, बट फिर नहीं हुआ, तो फिर
मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना, जब मुझे लगा जरूरत से ज्यादा हो गया तो फिर मैं सेम डे, मतलब कोई प्लानिंग नहीं की, मैं दिन में टिकट बुक करी, शाम में यहाँ पे आ गया, इसलिए मेरा सामान अभी भी वहीं पड़ा हुआ है, और वो भी कब तक आएगा वो मुझे कल पता चलेगा, क्योंकि मैं किसी और बंदे पे डिपेंडेंट हूँ। और जब तुम वहां पे रहोगे ना तब सब सही है, सब भाई 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 भाई, अभी मैं यहाँ पे ना सबके भाव चढ़े हुए हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ कर नहीं सकता ना, कोई नहीं भैया, मैं दुनिया मतलब अपना पैसा मांगने के लिए भी मुझे झुकना पड़ रहा है, मतलब वो तो नहीं मिल रहा, अपना पैसा नहीं मिल रहा मुझे, मुझे दूसरे से पैसा मांगना पड़ेगा अपना काम करवाने के लिए। मैं कहा ये दिन देखने को रखा है तुमने, साले जिसको जब जरूरत पड़ी पैसे की मैंने दिए, मैं कभी पैसे मांगता भी नहीं वापस, तुम मुझसे ही करवा रहे हो, बात ही वाह, कोई नहीं, तो देखते कब तक आता है, बट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक नहीं आता तब तक थोड़ा दिक्कत का सीन है, क्योंकि फिर मैं लैपटॉप से एडिट कर रहा हूँ और मेरे पास माइक नहीं है, कंडेंसर माइक भी पैकेट में पड़ा हुआ है जो बॉक्स में डाला के रखा हुआ है मैंने, तो ऐसे करना पड़ेगा, तो इसलिए वीडियो नहीं आ सकती। तो हम कॉमेंट्री वीडियो करेंगे, न्यूज भी करेंगे और बाकी चीजें भी करेंगे जो तुम्हें आने वाले समय में दिख जाएगा, बट अब से रेगुलरली होगा, और पसीने बहुत आ रहे हैं तो निकलो, लाइक करो और निकलो, बाकी मैं मिलता हूं तुमसे कल, तब तक के लिए पीस आउट।